ज्ञान के शब्दों पर किसी प्रियजन को खोना, श्री अरबिंदो शाकाहारी द्वारा प्रेम और मृत्यु से चयन दो का भाग दो में स्वागत है। भारत कई महान आध्यात्मिक गुरुओं का घर है जिन्होंने ज्ञान और सच्चाई को पृथ्वी पर लाया है। उनका जीवन और करुणामयी शिक्षाएं हमें जीवन में एक उच्च उद्देश्य की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार मानवता को एक अधिक दिव्य स्थिति में ऊपर उठाती है। ऐसी ही एक महान हस्ती है आध्यात्मिक मास्टर, योगी, दार्शनिक, कवि और राजनेता श्री अरबिंदो शाकाहारी, जिन्होंने 1872 से 1950 तक हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाई। एक राजनेता के रूप में श्री अरबिंदो का समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए समर्पित था। हालांकि आंतरिक चिंतन के बाद श्री अरबिंदो राजनीति और अपने देश की सेवा से निवृत्त हो गए। इसके बजाय उनकी आकांक्षाएं पूरी मानवता की मुक्ति की ओर मुड़ गई। श्री अरबिंदो ने भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पांडिचेरी की यात्रा की, अभ्यास में एकांतवास में गए। अपनी आध्यात्मिक साधना के दौरान उन्हें प्रकट हुए आंतरिक ज्ञान के आधार पर श्री अरबिंदो ने ज्ञान से भरे लेखों को प्रकाशित करना शुरू किया। मूल रूप से 1899 में श्री अरबिंदो शाकाहारी द्वारा लिखित, जबकि अभी भी सिविल सेवा में थे, लव एंड डेथ एक करामती कविता है जो महाभारत से रुरु और प्रियंवदा की कहानी का वर्णन करती है और जीवन की अकाल्पनिक प्रकृति और दर्द और पीड़ित लोगों का अनुभव किसी प्रियजन की मृत्यु पर जोर देती है। आइए हम इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली कविता के कुछ अंशों के साथ आगे बढ़ते हैं, जो रुरु द्वारा अपनी प्यारी पत्नी के गुजर जाने के बाद महसूस किए गए दुख और शोक को व्यक्त करता है। प्रेम और मृत्यु। उन्होंने पृथ्वी की उज्जवल उदासीनता और दर्द के सभी एकाकी निरर्थकता को महसूस किया। फिर अपने ललाट की सुंदरता को ऊपर उठाते हुए वह उदास होकर बोला, ओ घोर सिद्ध मृत्यु, लेकिन मैं आम आदमियों की तरह नहीं करूँगा जो आपको रोते हुए तृप्त करते हैं और झूठे तरीके से आपको लुभाते हैं और मेरे दुख को अपना रंगमंच बनाते हैं, जो आपके वज्रपात के नीचे रहते हैं और रात को उनके कराहने कंपकंपी और रोने की गवाही देते हैं, जब अचानक यादें उन्हें तलवार की तरह चुभती हैं और अक्सर असह्य विचार के रूप में शुरू होता है। थोड़ी गति बढ़ती है, फिर संक्षिप्त पीड़ा से थक कर नीचे गिर जाता है। ओ गोपनीयता भयानक, अंधेरा विशाल जिस पर हम कांपते हैं, कहीं मैं नहीं जानता कि कहाँ, किसी तरह मैं नहीं जानता कि कैसे मैं तेरी उदासी प्रचंड आत्मा का सामना करूँगा और हाथों से पकड़ लूँगा और साबित करूँगा कि आप क्या है और मनुष्य क्या है, उन्होंने कहा और धीरे धीरे जंगलों में भटक गया। वहाँ लंबे महीनों तक उन्होंने दुख और सुख के बीच यात्रा की। हर कदम के साथ उनके विचारों को दूर करते हुए अपने मन में विशाल दर्द को मापते हुए और उसका हृदय उसमें ऐसे रोया जैसे विस्तृत वनों में आग गरजती है और शाखाएं स्वर्ग की ओर जलती हुई रोती हैं। इतना जल गया अपार उसका दुख उनके भीतर। उन्होंने अपना युवा शुद्ध चेहरा उठाया, पूरी तरह से दर्द से भरा हुआ, आवाज रहित। तब भाग्य हिल गया और देवता उनके लिए शोक करने लगे, उनकी चुप्पी से डर गए। इसलिए चोटियों से दिव्य अमर अग्नि और अश्वत्थ वृक्ष के लिए नीचे आया, जो दुनिया को मारने वाली आवाज में रोया, हे वृक्ष जो अपनी विशाल शाखाओं को उठाते हैं, जो सेनाओं को आश्रय देने में सक्षम है, अब सेनाओं से अधिक आश्रय दे, प्रसिद्ध हो, घर दे एक शानदार ईश्वर को। रुरु के सीने में दुख ढेर हो जाता है, जैसे कि
उनकी पीड़ा वाली रुकावटों के साथ जूझता है। सन्नाटे में एक आसन नबाड़ और अमर भगवानों भयभीत हो जाते हैं। पृथ्वी कंप कंपाती है क्योंकि कांपती है अभिशाप को सहने के लिए, कहीं ऐसा न हो कि उसका युवा जीवन ग्रहण के साथ पीला पड़ जाए और सभी रचने वाला प्रेम केवल दर्द द्वारा निंदित हो। हे अश्वत्थ, क्रोध को अपनी डालियों की ओर मोड़ दें। और भगवान ने चुपचाप सहमति दे दी। उसी दोपहर में रुरु आया, उसका मन रुक गया था। दर्द की विस्मृति में कोमल भटकने वाली चमक से एक पल के लिए लुभाया, क्योंकि विचारों कोमल और निकट आंखों की फुसफुसाती यादें इतनी प्यारी आई। उसका अंधा दिल सपना देखता था कि वह जिंदा है। धीरे से अश्वत्थ वृक्ष ने अपनी पत्तियों को झुकाया और उनके गाल पर हाथ फेरा और उनके भारी बालों को छुआ और रूरू ज्योतिर्मय हो गया। एक पल के लिए, एक आनंदमय पल के लिए उन्होंने महसूस किया था वह वही थी। हवा उनके बालों से टकरा रही थी और उनकी तेज सांस वसंत की तरह उनके पास आ रही थी। फिर वह मुड़कर जैसे कोई स्वर्ग से चकित हो अब देखा उन्हें नहीं बल्कि दोषी पेड़ को सिकुड़ते देखा। फिर एक दोहरे मुकुट के साथ दुख उठा और उनके चेहरे पर पीड़ा का दाग डाल दिया। हे अश्वत्थ वृक्ष, जिसने हवा के साथ मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया है। उनके हाथ सूरज की ओर निकले। प्रियम वजा, वह रोया और उस सुप्रिय ध्वनि पर उनके मन में पुराने रमणीय समय की दयनीय मधुरता के साथ उदय हुआ। धीरे से उन्होंने कराहते हुए कहा, हे कांतिहीन प्रियम वजा, ओ मरे हुए नम्र फूल, अभी तक मेरे दुख के लिए जी रही है। हे मृत्यु, जो सितारों के नीचे अपना चेहरा नहीं दिखाती लेकिन नकाब पोश होकर आती है और हमारे सपनों पर पकड़कर प्यार से समान रूप से जूझने से घबराती है, नहीं आपके उदास घर से कोई तेरी राह बताने को लौट कर आता है। मेरी व्यथा सुना दी जाए। आप जो भी हो, हे मृत्यु के उज्जवल शत्रु, नीचे उतरो और मुझे उस मंद द्वार तक ले चलो, क्योंकि मैं आग में आग से समान निर्दयता से जल चुका हूँ और तलवार से भी तेज बिछोने पर पड़ा हूँ। वह रुक गया और स्वर्ग रोमांचित हो गया और सुदूर नीला कांप उठा, मानो अदृश्य नीचे की ओर पांखों वाला हो। लेकिन रुरु ने जुनून किया और पूर्व संध्या के साथ गुप्त घास और एक ठंडी चमक में नम हरे द्वार के पास आया, एक पेड़ पर झुक गया जो कल्पनातीत हवा में नहाया और आकाश को शाखाओं के बीच से देखा और एक तोता जोर से इसके ऊपर से चिल्लाया। वहाँ एक सुनहरा लड़का खड़ा था। उन्होंने अपने हाथों में एक धनुष चलाया, ऐसा नहीं जो मानव धनुर्धर उपयोग करते हैं, क्योंकि डोरी कई मधुमक्खियों की तरह हिलती और बड़बड़ाती थी। वह रुरु पर वह गोरा मुख घुमा। आप यहाँ कौन हो? जंगलों में भटक रहे हो और आपका युवा सुंदर चेहरा दर्द से भरा हुआ है। और रुरु, भगवान द्वारा महारत हासिल, ने उत्तर दिया, मैं आपको जानता हूँ अपने उज्ज्वल क्रूर सौंदर्य से, कामदेव, जो कई दुनियाओं को एक आग बनाता है। आप उससे जोश और पछतावे को बढ़ाने के लिए क्यों कहोगे? आप जानते हो महान प्रेम, अगर आप सच में वह हो और मेरी विनाशकारी आत्मा का सपना नहीं। लेकिन रोमांचित शाश्वत मुस्कान के साथ उन्होंने रुरु को उत्तर दिया, नश्वर, मैं वह हूँ, मैं वह मदन हूँ जो सितारों को आलोक से सूचित करता है और जीवन के विस्तृत कैनवास पर रोशनी और छांव, खुशी और आंसुओं के चित्र भरता है। साधारण क्षणों को अद्भुत बनाता है और सामान्य भाषण को एक आकर्षण, जीवन को जीवन में गूंथता है। विरोधों के अंतर विरोधों और अचानक मुलाकातों और धीमी गति का जादू टोना। और अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें sacred-text.com।
Continue with your war, because such evil like you has no gratitude toward the citizens of the world who nourished you until you became so powerful. Then you used your power and privilege to kill them instead. परोपकारी दर्शकों, आज के ज्ञान के शब्दों पर आपकी कंपनी को पाकर खुशी हुई। आगे आ रहा है एक करामाती क्लासिक, माय फेयर लेडी। आपके सभी अच्छे कर्मों आपको शांति और खुशी की ओर ले जाएं। बेनिवोलेंट व्यूअर्स, इट वाज अ डिलाइट टू हैव योर कंपनी ऑन टुडेज वर्ड्स ऑफ विजडम।